A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। मैं उर्वशी रीवा की दो बड़ी खबरों के साथ। रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा गुम बालक बालिका की पता तलाश हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली पुलिस टीम द्वारा फरियादी ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट किया था कि मेरी नाबालिग लड़की जो घर से बिना बताए कहीं चली गई है, जो अब तक नहीं आई, आसपास रिश्तेदारी में सभी जगह पता तलाश करने पर कहीं पता नहीं चल रहा। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सिटी कोतवाली रीवा में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। सूचना के बाद से थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रीवा के निर्देशन में कोतवाली पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका की तलाश आसपास की जगहों में की गई। पड़ोसियों द्वारा सूचना मिली कि बालिका लुधियाना पंजाब में रह रही है, जिनके मोबाइल नंबर की टावर लोकेशन से बालिका को लुधियाना पंजाब में होना पाया गया, जिसे कोतवाली पुलिस की टीम लुधियाना पंजाब जाकर अपहृत बालिका की तलाश कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। गुड़हाई बाजार निवासी एक बच्ची थी, नाबालिग थी, वो समय उसका घर से गायब हो गई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके लगातार तलाश की जा रही थी। उसके मोबाइल नंबर और बाकी जितनी जानकारियां हो सकती थी, गजट नोटिफिकेशन, सारी फॉर्मेलिटीज़ की गई थी, किंतु उसका कोई पता नहीं चला था। कुछ स्थानों पर संदेह था परिवार वालों को, उनको भी बुला करके, और जिसके साथ भागने पर संदेह था उसको भी उस समय बुला करके लगातार पूछताछ की गई थी, किंतु उनके साथ जाना नहीं पाया गया था। जिसको पसंद था वो लड़का यहीं पर था। परिवार वाले भी इधर लगातार संपर्क किया जा रहा था, लेकिन कोई सर जानकारियाँ उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। अभी बीच में कुछ जानकारी मिली कि वो जो बच्ची का चली गई थी 2015 में, वो उसका किसी के पास फ़ोन आया था। जानकारी लेते लेते जब वो आदमी मिला, उससे बातचीत की गई, तो वो भी बताने से इनकार कर दिया। तो उसका कॉल डिटेल निकलवाया तो उसमें उसका लुधियाना में बात करना पाया गया। बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। नई गढ़ी जनपद सीईओ का प्रभार। जनपद सीईओ राहुल पांडे को मिलने के बाद राहुल पांडे नई गढ़ी जनपद पंचायत पहुंचे, जहां उनसे हमारे संवाददाता प्रियेश पांडे ने नई गढ़ी जनपद पंचायत को लेकर खास बातचीत की, जिसका जवाब देते हुए प्रभारी जनपद सीईओ श्री राहुल पांडे ने कहा कि हम प्रतिदिन नई गढ़ी में बैठेंगे, उसके अलावा भी लोग हमारे मोबाइल नंबर पर 24 घंटे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगामी 17 जनवरी को हम सभी नवनियुक्त सरपंचों से संवाद का आयोजन करेंगे और सभी के साथ मिलकर काम करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है प्रभारी जनपद सीईओ राहुल पांडे का। नई गढ़ी में नवागत सीईओ हूं, मुझे अतिरिक्त प्रभार नई गढ़ी का मिला है। प्राइम एफ ऐसी कुछ दिक्कतें समझ में आ रही हैं, तो उनको मैंने निर्णय लिया है कि प्रतिदिन यहां पर आऊंगा और सुबह के शिफ्ट में बैठूंगा, ज़रूरत पड़ने पर शाम को भी आ सकता हूँ, और कोशिश करेंगे धीरे धीरे जो समस्याएँ उनको ख़त्म किया जाए। सर, तीन तीन जनपदों का जिम्मेदारी आपके पास, बड़ी चुनौती है, नई गढ़ी के लिए कितना समय निकाल पाएंगे? मेरा पूरा फोकस पहले नई गढ़ी में होगा, क्योंकि तोथर मेरा खुद का ब्लॉक है, तो वहाँ व्यवस्थित ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस बीच अव्यवस्थित चीज़ें हुई हैं, तो उसको व्यवस्था बनाने में चूंकि मुझे समय ज़्यादा लेना है, तो नई गढ़ी सिरमौर में प्रशासनिक व्यवस्था एक हमारे साथी संभाल रहे हैं, तो वहाँ मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, तो मेरा पूरा फोकस नई गढ़ी पे ही होगा। अ न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय ProSkill Hub। गेट योर ड्रीम जॉब। एड्रेस: ग्राउंड फ्लोर, जॉन टावर, कॉलेज चौराहा, रीवा।